हाय गाइस, मेरा तो आप सब देख रहे हैं आपके चैनल तुरशील को। दोस्तों, आपके मन में अगर सबसे बड़ा डाउट है क्रिएटर बनके, तो वो डाउट आज के डेट पे है फेसबुक अर्निंग को लेके। और वो भी क्यों ना, क्योंकि लास्ट दो मंथ से यानी कि मई मंथ और जून मंथ पे आप लोगों का सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट हुआ है फेसबुक अर्निंग को लेके, क्योंकि फेसबुक अर्निंग ठीक से पे आउट पे बैठ ही नहीं रहा, दिखाई नहीं रहा है। तो आप लोगों के मन में ये जनरेट हो रहा है कि हमारा अप्रैल मंथ का अर्निंग किधर गया और हमारा अर्निंग क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पे आउट पे हमारा एड ब्रेक का अर्निंग शो ही नहीं हो रहा है, और एड ब्रेक का अभी मई मंथ का अर्निंग जुड़ गया तो वो नेक्स्ट पे आउट पे इंक्लूड क्यों नहीं हुआ और कब मिलेगा, और म्यूजिक फॉर क्रिएटर का अर्निंग क्या है, वो किस लिए मिल रहा है, और ना जाने कितने सारे डाउट। तो वो सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज का ये वीडियो है। इसके बाद जब तक पेमेंट रिलीज नहीं होगा, मैं इस टॉपिक पे और वीडियो बनाने नहीं वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हम कोई भी पेआउट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग अभी भी इन ऑप्शन का यूसेज ही नहीं जानते, जिसके लिए आप लोगों के मन में बिना कोई क्लियरिटी के डाउट। क्लियरिटी होना जरूरी है, अगर क्लियरिटी होगा तो डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहला डाउट है, जैसे ही आप लोग ओवरव्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अर्निंग का ऑप्शन आता है वहां पे आप लोगों का डॉलर अपडेट नहीं हुआ। हालांकि आज ही मैंने अपडेट दिया था, मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग मैंने अपडेट दिया था, हो सकता है ये वीडियो कल आए, मगर यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने अपडेट दिया था वहां पे साफ साफ दिखाया था कि मई मंथ का जो अर्निंग था, जो अपडेट नहीं हुआ था एड ब्रेक का, वो आज हो चुका है। 9th जून को वो एड ब्रेक का अर्निंग जुड़ दिया गया है, और आप लोग कह रहे हो जुड़ा गया है तो कहा है, हमारे अर्निंग में तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। हमने देखा नेक्स्ट अर्निंग जो हमारा आने वाला है, यहाँ पे 1 मई से लेके 31 मई का डेटा शो कर रहा है, मगर यहाँ पे तो जुड़ा ही नहीं गया, तो वो कहाँ पे ऐड हुआ है। तो मैं फिर कहूंगा, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को अच्छे से बारीकी से देखो, समझो और स्किप मत करो। पूरा नहीं देखोगे तो आधा अधूरा नॉलेज के साथ जाते हो, फिर आके सेम क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो। तो यहाँ पे जुड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अर्निंग आज ही ऐड हुआ है, और ऐड कहाँ पे हुआ है वो भी आप लोगों को पता नहीं, कहाँ पे जाके देखना है। तो देखने के लिए आपको आना पड़ेगा अर्निंग सेक्शन पे। यहाँ पे अर्निंग पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मई मंथ का जो एड ब्रेक है वो जुड़ा गया है, और यहाँ पे वो अर्निंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो $98 मई महीने का अर्निंग जुड़ा गया है, हालांकि नेक्स्ट पे आउट पे मई मंथ का अभी भी 0.45 दिखा रहा है, और ये 0.45 कहां से दिखा रहा है उसका क्लियरिटी मैंने पहले ही दिया, म्यूजिक फॉर क्रिएटर का अर्निंग, जो कि इस दफा सबसे पहले टाइम अपडेट किया है फेसबुक, और ये म्यूजिक फॉर क्रिएटर का अर्निंग इससे पहले कभी भी फेसबुक ने रिलीज नहीं किया। अब इसको लेके शंका है, डाउट है, और इस डाउट को मैंने क्लियरिफाई भी किया था, मगर वो आप लोग देख ही नहीं हो पूरा वीडियो को, तो आपको कैसे पता चले। मैं लास्ट टाइम भी बताया, इस बार भी बता रहा हूं, ये जो म्यूजिक फॉर क्रिएटर का जो अपडेट है वो फेसबुक ने कहीं पे ऑफिशियली अभी तक जानकारी नहीं दिया है किस वजह से ये अर्निंग जुड़ा गया है, मगर एज पर माई नॉलेज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट दिया था कि ये म्यूजिक फॉर क्रिएटर का जो अर्निंग है, हो सकता है म्यूजिक या फिर वीडियो पे कोई भी हो सकते हैं क्लेम रहने के वजह से रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो शेयर हो रहा है दो क्रिएटर के बीच में। अब क्रिएटर हो सकते हैं थर्ड पार्टी, हो सकते हैं कंटेंट ओनर हो सकता है, मगर रेवेन्यू शेयर हो रहा है, इसीलिए हो सकता है आपका कोई कंटेंट किसी ने किसी पार्ट को यूज किया है, तो वो वीडियो अगर मोनेटाइज है तो उस वीडियो पे आपके कंटेंट का जो भी पार्ट थोड़ा सा भी यूज हुआ है, उसके वजह से जितना अर्निंग उस पार्ट पे हुआ है उसका अर्निंग आपके साथ शेयर हुआ है। तो अगर ₹100 उस ओनर का अर्निंग हुआ है तो हो सकता है आपके जो पार्ट यूज किया गया है उस पार्ट में ₹5 का इनकम हुआ, तो उस ओनर को ₹95 रहेगा और आपको वो ₹5 दिया जाएगा। इसके वजह से हो सकता है ये म्यूजिक पर अर्निंग फेसबुक अभी शो कर रहे हैं, तो ये अर्निंग आपको ही मिलेगा, और यही अर्निंग अभी तक नेक्स्ट पे आउट यानी कि मई मंथ का जो अर्निंग में यहाँ पे अपडेट हुआ है तो वो पहली अपडेट हुआ। हालांकि आज ही फेसबुक ने, आपको पता है, 9 जून को एड ब्रेक का अर्निंग को अपडेट किया है, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, तो आप लोगों को टेंस नहीं होना है क्योंकि अभी भी रेमिसमेंट कहाँ जनरेट हुआ है। रेमिसमेंट जनरेट होता है हर महीने 16 को, तो 16 अभी आने में टाइम है, आज 9 तारीख गया है, सिर्फ 16 होने तक यहाँ पे अपडेट होगा, और 16 से रेमिसमेंट यानी कि फेसबुक पेमेंट प्रोसेस पे लगता है, तो 16 से 21 पेमेंट जो है भेजा जाता है, और उसके बाद बैंक का प्रोसेस होता है, बैंक जितना टाइम लेता है उसके बाद आपके अकाउंट पे जोड़ा जाता है, काफी टाइम है, टेंशन क्यों लेते हो, पहले देखो अर्निंग पे आपका जाके कि मई मंथ का जो अर्निंग
जो अभी जून में मिलने वाला है वो अपडेट हुआ कि नहीं। हालांकि अप्रैल मंथ का अर्निंग भी किसी किसी का, जिसका अप्रैल मंथ पे $100 होके रिलीज नहीं हुआ उन लोगों का भी, मतलब $100 से कम था उन लोगों का भी, अभी अप्रैल मंथ का अर्निंग भी एड ब्रेक पे जोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल फर्स्ट से लेकर 31 अप्रैल तक जितना भी अर्निंग हुआ है यहाँ पे डॉलर जोड़ा गया है। तो ये अर्निंग और ये अर्निंग प्लस होगा और फिर ये अर्निंग प्लस होगा, ये तीनों अर्निंग प्लस होके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तब जाके बनेगा रेमिसमेंट और तब जाके आपका पे आउट जो है वो दिखेगा यहाँ पे, और वही अर्निंग बाद में आपको 21 तारीख फेसबुक भेजता है। तो इस पे अभी प्रोसेस पे टाइम है, तो यहाँ पे आपका अर्निंग शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं फेसबुक आपका पेमेंट कट कर दिया, डॉलर नहीं दिया, फेसबुक ने खा गया, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को समझना है, यहाँ पे फेसबुक के जो पे आउट सिस्टम है उसमें बहुत सारे चीज अपडेट हुए है, और वो चीज अपडेट होना शुरू हुआ था लास्ट मे मंथ, जब ये शुरू हुआ तभी ये इश्यू देखा गया, बहुत सारे पे आउट पे अर्निंग पे बहुत सारे चीज प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ। मगर जिन लोगों का भी अप्रैल मंथ का अर्निंग $100 से ऊपर चला गया था, मैक्सिमम ओरिजिनल क्रिएटर का पे आउट फेसबुक ने पेड कर दिया था, कुछ गिने चुने लोगों का अर्निंग होल्ड पे रखा, वो सारे सस्पिशियस एक्टिविटी के वजह से हो सकता है फेसबुक ने इन्वेस्टिगेशन के लिए होल्ड पे रखा था, मगर वो पेमेंट भी जून फर्स्ट वीक को थर्ड को ऑलमोस्ट रिलीज कर दिया था, तो उन लोगों को भी पेमेंट मिल चुका है। और बाकी जिन लोगों का अप्रैल मंथ का अर्निंग $100 क्रॉस नहीं हुआ था तो उन लोगों का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो यहाँ पे भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा, अपडेट हुआ है, तो ये सारे पेमेंट जोड़ के यहाँ पे आएगा 16 को, 16 से पहले भी हो सकता है, 16 तक भी हो सकता है। तो अभी टाइम है, आपको वेट करना है जब रेमिसमेंट जनरेट होगा, उसके बाद ना पेमेंट प्रोसेस पे लगेगा और 21 तारीख को फाइनली आपको फेसबुक पे करता है। और ये म्यूजिक फॉर क्रिएटर क्या है फिर से दोबारा मत मुझे पूछना, अभी क्लियरिफाई कर दिया हूँ। हो सकता है आप लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हो उसका कोई ना कोई पार्ट कोई तीसरा आदमी उठा के यूज करता है, या फिर हो सकता है दो आदमी एक ही म्यूजिक यूज करते हो, तो वहां पे जो म्यूजिक यूज होता है उसका हूबहू मैच होने के वजह से, कुछ पार्ट सिमिलरिटी रहने के वजह से कंटेंट क्रिएटर के बीच में वो जो पैसा अर्निंग होता है, वो जो डॉलर बनता है, वो रेवेन्यू शेयर होता है, उसी के वजह से आपको पैसा फेसबुक दे रहा है। हो सकता है इससे पहले ये देता नहीं था, या फिर देता था हमें पता नहीं चलता था, कभी कभी क्या होता था एस्टिमेटेड अर्निंग से भी हमें ज्यादा पेमेंट मिलता था, और बहुत सारे केस पे ऐसा भी देखा एस्टिमेटेड अर्निंग से कंपेयर करो तो फाइनल पे आउट पे कम रहता है, तो वो सब हो सकता है म्यूजिक फॉर क्रिएटर वाला जो अर्निंग है उसके वजह से ही होता हो, क्योंकि एस्टिमेटेड अर्निंग में पूरा दिखाता होगा फिर मैच रहता होगा तो उसके वजह से हमें कम मिलता होगा, एस्टिमेटेड अर्निंग कम दिखाता होगा मगर मैच रहता होगा उसके वजह से हमें अर्निंग ज्यादा मिलता होगा, तो ये दो रीजन हो सकता है। बाकी ओवरव्यू में जो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ वो अपडेट होने में अभी टाइम है, अर्निंग कहाँ पे शो कर रहा है अभी वो अर्निंग ऑप्शन पे शो कर रहा है पे आउट पे। अब ये मत कहना कि पे आउट कैसे चेक करते हैं, वो अगर नहीं पता है तो पुराने वीडियोस उठा के देखो, ऑलरेडी काफी सारे वीडियो पे मैंने प्रोसेस दिखा के रखा हो। और फिर अर्निंग सोर्स पे हम क्यों क्लिक करते हैं, वहां पे हमें पता चलता है हमारा पेज कौन सा मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग कर रहे हैं, जैसे कि ये पेज एड ब्रेक से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पेज स्टार से अर्निंग करता है, सब्सक्रिप्शन से करता है, तो उस वजह से ये अर्निंग सोर्स वाला ऑप्शन दिया जाता है। और पे आउट हेल्प अभी मैंने अपडेट दिया था, यहाँ पे जो नीचे सपोर्ट इनबॉक्स रहता है बहुत सारे लोगों का हटा दिया है और अभी पे आउट हेल्प कर दिया है, तो ये होता है जब आपका पेमेंट नहीं निकलता है या फिर पेमेंट से जुड़े आपको कोई डाउट रहता है तो फेसबुक से संपर्क करने के लिए ऑप्शन, और सेटिंग वो ऑप्शन होता है जहाँ पे आपने जो भी बैंक डिटेल पे आउट अकाउंट फिल किया है वो सब रहता है सेटिंग वाला ऑप्शन पे। तो ये सब चीज बहुत पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ, मगर आप लोग के मन में डाउट फिर भी रह जाता है, शंका फिर भी रह जाता है। मुझे ये भी पता है कि मैंने इस वीडियो पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को भी नहीं समझ पाओगे और फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क करोगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ऐसे रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद भी आप लोग आके पूछते हो। बाकी आप लोगों का अप्रैल का पेमेंट भी मिलने वाला है, मे का पेमेंट भी मिलने वाला है इस जून 21 को, कहीं नहीं जा रहा है। मगर जिन लोगों का अभी भी अर्निंग सब्सक्रिप्शन पे आने के बाद अप्रैल मंथ का पेमेंट ऐड नहीं हुआ है, मई मंथ का पेमेंट ऐड नहीं हुआ है, तो हो सकता है उन लोगों के केस पे अलग रीजन, तो उस केस पे पैसा होल्ड पे जाता है, पेमेंट सस्पेंड होता है और इन्फिनिटी टाइम के लिए भी पहुंच जाता है, तो उन लोगों का अलग रीजन होगा, अलग कारण होगा, तो उनको फिर प्रोसेस करके फिर पेड करवाना पड़ता है। अगर ऐसे इशू आपके साथ भी होता है जो कि स्पेशल केसेस है
तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shil.diptano पे, जहाँ पे मैं वन एंड वन कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ और आप लोगों का ऐसे सोल्यूशन को निकल के देता हूँ। जो भी ऐसे प्रॉब्लम को लेके मेरे पास आते हो, उन लोगों का सोल्यूशन मैं कोशिश करता हूँ निकाल के देने के लिए। होप गाइस आज के बाद आप लोगों को पे आउट से रिलेटेड ये सब डाउट और नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेजर पर लेने आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।